देश में कोरोना की बेलगाम दूसरी लहर पर अब ब्रेक लगता दिख रहा है। कोरोना के मामले अब तेजी से घटने शुरू हो गए हैं। कोरोना की थमती रफ्तार के बावजूद मौत का आंकड़ा डराने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,57,299 नए कोरोना केस आए और 4,194 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 3,57,630 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 1,04,525 एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को 2.59 लाख नए केस दर्ज किए गए थे और 4,209 संक्रमितों की जान भी गई थी। 21 मई तक देश भर में 19,33,72,819 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 14,58,895 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 32,64,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 20.66 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 12% से ज्यादा है। वही बात करें तो कोरोना के नए स्ट्रेन के ब्रिटेन, साउथ अफ्रीकी और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले शनिवार को 949 नए मामले, रविवार को 1005 नए मामले, सोमवार को 835 नए मामले, मंगलवार को 1035 नए मामले, बुधवार को 1103 नए मामले, गुरुवार को 1235 नए मामले, शुक्रवार को 1525 नए मामले और आज शनिवार को 1326 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 32,992 से 34,318 हो गई है। जहां पहले 5 या 10 नए स्ट्रेन के मामले सामने आ रहे थे, अब वो 1000 से 1200 से कम नहीं आ रहे हैं, जो डराने वाली बात है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।